नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है वरुण धीमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपका स्वागत है एक बार फिर से, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और स्टोरी जो कि काफ़ी पसंद आने वाली है आपको। जैसे आपने पिछली स्टोरी पसंद की थी, इस स्टोरी को भी आप लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे आपको। तो चलिए करते हैं शुरू स्टोरी, और कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। कहानी का जो टाइटल है वो है समय का सदुपयोग, जो कि आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़े हैं, कोई भी हो, चाहे समय का सदुपयोग हमेशा करना ही चाहिए और आगे न्यू जनरेशन जो है उनको भी यही शिक्षा देनी चाहिए। कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ, असल में होता क्या है ना, जगत गुरु शंकराचार्य हमेशा लोगों को यही सीख दिया करते थे कि समय को सत्कार्यों में लगाओ, हमेशा हमेशा सत्कार्यों में लगाना चाहिए समय को, ऐसा वो शिक्षा दिया करते थे सबको। एक बार एक धनवान व्यक्ति कहो या एक धनवान श्रद्धालु जो उनको काफ़ी मानता था उनके पास आए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति समय अभाव के कारण अपना समय सद्कार्यों में ना लगा पाए तो वह क्या करे, क्या करना चाहिए उसको? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन मेरे तो मन में आता है, लेकिन आपके मन में भी आता होगा, मुझे ये तो आप ही बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन तो सही था भाई, अगर किसी के पास समय ना हो तो वो कैसे क्या करे। श्रद्धालु की बात सुन के आचार्य जो शंकराचार्य हैं उन्होंने समझाते हुए उनसे कहा कि वत्स, मेरा परिचय आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं हो पाया जिसको विधाता के बनाए हुए समय में से एक क्षण से भी कम मिला हो। सभी को समान समय मिलता है, सभी के पास एक ही जैसा समय भगवान ने बनाया, सभी को उतना ही टाइम दिया है जितना आपको दिया है, मुझे भी और को भी, है ना। तो उन्होंने ऐसा ही उनको बोला। ये सुनते ही श्रद्धालु जो है वो चुप हो गए, शांत हो गए एकदम। जी तभी पूछते हैं श्रद्धालु से, समय के अभाव से आपका तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? श्रद्धालु तो शांत था, शांति रहा। शंकराचार्य ने आगे समझाते हुए ये चीज बोली कि वत्स, जिसे तुम समय का अभाव बता रहे हो या कह रहे हो, वह वास्तव में अव्यवस्थित जीवन जीने का ढंग है। श्रद्धालु शांत था, बात तो गुरुजी की सही थी, आचार्य जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। आचार्य जी ने फिर बाद में समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति जीवन को व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते, असल में वो जीवन को अपने भार स्वरूप ढोते हैं। गुरुजी आगे समझाते हुए ये भी बोलते हैं कि जीवन ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने कितने वर्ष, वो व्यक्ति कितने वर्ष जिया, असल में जीवन तो वो है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने समय का सदुपयोग किया। बात तो सही है, श्रद्धालु के भी समझ आ चुकी थी, उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, और हमें भी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमको अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, और हमेशा, एक बार नहीं, समय बहुत कीमती है, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, और हमेशा सब जगह यही है, और समय एक बार निकल जाता है तो वो निकल जाता है, फिर वापस नहीं आता। कोशिश करें अपने जीवन में समय का सदुपयोग करें। यही स्टोरी थी, एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन एक शिक्षा बहुत बड़ी दे गई है स्टोरी।
आपको जो मैंने पहले एक बार स्टोरी शेयर की थी वो काफ़ी पसंद आई, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लाइक कीजिएगा अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस स्टोरी को आप शेयर भी करिएगा। ये भी स्टोरी मैंने वेद अमृत नाम से एक धार्मिक मैगजीन आया करती थी काफ़ी पहले, वहीं से पढ़ी थी और मेरे दिमाग में थी तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने की। कोशिश करूँगा आगे भी आपके साथ और भी स्टोरी हो या कुछ भी नया साझा करने के लिए जो कि आपके साथ साझा हो सकता है। तो बने रहिए, अपना प्यार आप चैनल को देते रहिए, मिलते हैं फिर जल्दी एक नई स्टोरी या एक नए ब्लॉग के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।